टेक केयर, ओके बाय। क्या हो रहा था ये सब यहाँ? क्या क्या हो रहा है? अभी अर्जुन से पड़ी ऊपर क्या बात कर रही थी तू? सच में प्रेम, एकदम होपलेस इंसान हो तुम, नहीं बेवकूफ जो तुम्हें बार बार सही समझ लेती है। तुम्हें ना दोस्ती करने की तमीज है ना दुश्मनी। छोड़ो मुझे। आई दे, तुम कौन होते मुझसे पूछने वाले कि मैं किससे क्यों और क्या बात कर रही हूँ? तुमने मुझे थोड़ी देर पहले ही बोला ना कि तुम्हें मेरी परवाह है, और अभी देखो तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। और वैसे भी मैं अर्जुन से बात करूँ या किसी और से, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम हो कौन, क्या लगते हो मेरे, और किस हक से ये सब कर रहे हो? अरे तू मुझे पूछ रही है किस हक से? तो सुन, उस हक से जब मैंने सारी रात जाग कर तेरी देखभाल की, उस हक से जब तुझे नापसंद आने वाली हर एक चीज मैंने सिर्फ एक बार में बंद कर दी क्योंकि तुझे पसंद नहीं है, उस हक से जब मैंने हर बार सब कुछ भुलाकर सिर्फ तेरी फिक्र की। अरे प्रेम सिंह राठौर ने जिंदगी में पहली बार किसी और के कहने पर दिन को रात समझा और रात को दिन समझा, पर तू मुझे पूछ रही है किस हक से? तुझे समझ नहीं आता? क्या मैंने तुमसे कहा रात भर जगो मेरे लिए? क्या मैंने तुम्हें कहा कि मेरा ख्याल रखो? क्या मैंने तुम्हें कहा कि मेरी पसंद नापसंद के हिसाब से चलो? क्या तेजस्विनी मेहता ने प्रेम सिंह राठौड़ से ये कहा कि वो दिन को रात और रात को दिन कहे? तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये क्या किया प्रेम, ये क्या कह दिया? वो भी इस तरह जसनी, वो मैं एक्चुअली तुम्हें मुझसे मतलब प्रेम को मुझसे प्यार। सुनी मेरी बात? भाई रुक जाओ, भाई वाह क्या ड्रामा किया है प्रेम। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ मेरी सलाह मानो तो डांस कंपटीशन के साथ साथ एक्टिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर लो। क्या लगा था तुम्हें प्रेम, तुम अपने ये प्यार का झूठा नाटक करोगे और मैं तुम्हारी बातों में फंस जाऊंगी? मतलब क्या लगा तुम्हें? हाँ बताए प्रेम, मुझे नहीं पता, मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और सच बोलूं अब मुझे जानना भी नहीं। प्रेम ये जो प्यार शब्द है बहुत भारी शब्द है जो तुमसे कभी नहीं संभल सकता। मैं तुम्हें बताऊं तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ प्यार का झूठा नाटक कर सकते हो, कभी किसी से सच्चा प्यार कर ही नहीं सकते, कभी नहीं। शायद तू मेरे प्यार को समझ ही नहीं पाई, शायद वक्त कम पड़ गया था तुझे मुझे समझने के लिए। तेजस्विनी मेहता, प्रेम सिंह राठौड़ दुश्मनी भी छाती ठोक के करता है, प्यार भी छाती ठोक के करता है। बोल मैं क्या करूं कि तुझे विश्वास हो जाए कि मैं प्यार का झूठा नाटक नहीं कर रहा। बोल
बोल मैं क्या करूं, बोल मैं अपनी जान दे दूं, बोल। तुम अपनी जान अपने पास रखो प्रेम, हरी जान मेरी किसी काम की नहीं है। मैं सिर्फ यहीं तक गिनूंगा, मेरे तीन गिनने तक अगर तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो मैं यहीं सबके सामने अपनी जान दे दूंगा। और ये बात तो तू बहुत अच्छे से जानती है कि जो मैं बोलता हूं वो करके दिखा दूं। चलो अच्छी बात है प्रेम, इसी बहाने तुम्हें मौका मिलेगा खुद को आजमाने का, तो तुम्हें जो करना है पूरे शौक से करो। प्यार में जान देने वाले आशिक दूसरे टाइप के होते हैं प्रेम, उस टाइप की नहीं हूं। हाँ संभाल के ये रख इसके। हाँ संभाल के। आप बैठो ना बैठो। काकी मैं आप सबके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा हम सब है ना, जसविनी पानी मैं लेकर आती हूँ। मेरी वजह से किसी को भी अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने ये सब कैसे होने दिया, मैंने प्रेम को रोका क्यों नहीं। प्रेम बेटा क्या हुआ, क्या कुछ बताएगा क्या हुआ है। दरअसल पापा मैं कॉलेज के गोडाउन में कुछ बहुत ही खास चीज ढूंढ रहा था, बड़े इंतजार के बाद वो चीज मुझे मिली, पर अचानक ही मेरे हाथ से छूटने लगी। मैं तो सिर्फ उसे बिखरने से बचा रहा था, उल्टा उसने मुझे जख्म दे दिया। प्रेम बेटा ये क्या पागलपन है, ऐसी कौन सी चीज थी जिसको पाने के लिए तूने अपना खून बहा दिया। काका उसके लिए मैं अपना खून तो क्या, मैं अपनी जान भी दे देता। तेरा दिमाग खराब हो गया है हा? मन्ने माने की बातें कर रहा है, मुझे लगता है तुझे कुछ खा लेना चाहिए तभी तेरा दिमाग अच्छे से काम करेगा। ये बात एकदम सरस है तेजस्वी। बेटा एक काम कर, उस दिन मेरे लिए जैसे खिचड़ी बनाई थी ना वैसी स्वादिष्ट खिचड़ी तू प्रेम के लिए बना। मैं अभी बना के लाती हूँ। माँ मेरे लिए खिचड़ी आप बना लो। हाँ बेटा मैं अभी बना के लेके आती हूँ, तू बैठ। अरे बेटा बैठ ना। आई एम सॉरी प्रेम, मुझे यकीन नहीं था तुम ऐसा कर बैठोगे। तुमको तो इस बात पर भी यकीन नहीं कि मेरा प्यार नाटक नहीं सच है। चलो रख मोटा भाई, वो जमीन के लिए जिसके साथ मीटिंग थी वो लोग आ गए, मैं जाना पड़ेगा। गाड़ी निकाल मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ लोग आ रहे। हाँ बेटा प्रेम, बेटा एक डॉक्टर ने कहा है कि ये हाथ पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो अपनी तबीयत का ख्याल रखना। क्या अंदर चल तेजस्वी ने। बेटा चलता हूँ काका। हाँ
मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उस दिन आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। काका, वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो अपना काबू को बैठी थी। तेजस्वी बेटा, इकरा तो तू मेरी बेटी है, अगर बच्चे माँ बाप के साथ नहीं लड़ेंगे, शिकवे शिकायत नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे? तो भूली जा, भूल जाए सब बातें। मैं फाइनली तुम दोनों से अकेले में बात कर सकता हूँ। कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वो स्टूडेंट से मुझे पता चला। वैसे मैंने सिचुएशन संभाल ली, जो भी स्टूडेंट उस समय वहां मौजूद थे मैंने उन्हें अपनी भाषा में समझा दिया है कि ये बात बड़े पापा तक नहीं पहुंचनी चाहिए। वैसे प्रेम भाई, एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे, ये क्या तरीका है कि आप दोनों के बीच की बात तो आप तो सबके सामने करने की क्या जरूरत है? अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो ये बात बड़े पापा तक जरूर पहुंचती और उसका नतीजा क्या होता ये आप भी जानते। और तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुम प्रेम भाई को जानती हो फिर भी सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाई। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिए, मैं चलता हूं। चल खिचड़ी खा ले। अरे इस हाथ पे जोर नहीं डालना है, मैं खिला रही हूं ना। चल पानी देती हूं। अरे प्रेम क्या कर रहा है, आराम से। काकी मुझे पानी और दे दो। खिची वधारे लेने आऊं। हाँ चल, और मैं मिल्कशेक बना के लाती हूँ। हाँ प्रेम, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। सॉरी, मैं तुझसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुझसे प्यार कर लिया। प्रेम प्लीज एक बार मेरी बात सुन। कुछ नहीं सुनना है, समझी? एक्चुअली ये जो कुछ भी हुआ ना अच्छा ही हुआ, कम से कम मुझे इस बात का पता तो चला कि तू मेरे बारे में क्या सोचती। चलती है, मैंने तेरे लिए जो किया वो मेरे दिल में, और तूने वो किया जो तेरे दिल में, पर अफसोस तो इसी बात का है कि मैं चाहे जो कह लू जो कर लू, तेजस्विनी मेहता के लिए प्रेम सिंह राठौड़ हमेशा गलत रहेगा। मैं जानता हूं तेरे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो ठीक है, तुझे तेरी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है, तो मुझे भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक है, और मैं चाहता हूं कि तू मुझे अकेला छोड़ दे और चली जाए यहां से। एक बार मेरी बात तो सुन लो। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दे और चली जाए यहां से। मेरे गाना चली जाए यहां से।
तुझे तकलीफ में देखकर मैं कैसे खुश रहूं तेजस्विनी? मैं क्या करूं? तू जब भी मेरे सामने आती है मैं खुद को संभाल ही नहीं पाता हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें पसंद ना हो। कभी गर्दिशों का मारा, कभी ख्वाहिश। किधर जा रही है? क्लास इधर है। चांद का है चकोर, जरा से भी समझौते से ये परहेज रखता है। क्यों माने ना कभी कोई जोर, दुनिया जहाँ की बंदिशों की ये कहाँ परवाह करे। जो खींचे तेरी डोर, खींचे तेरी डोर मंशा। क्या तेजस्विनी मेहता ने प्रेम सिंह राठौर से ये कहा कि वो दिन को रात और रात को दिन कहे? तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दीदी को क्या हुआ? कोई कोई क्यों है? तो छोड़ना उसे। ढूंढे तेरा शो मन चला तेरी ओ, मन चला तेरी ओ। एक बार में कहीं भी बात समझ में नहीं आती। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है प्रेम सिंह राठौर। मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो जाओ। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे, बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे। जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन बनी जुबान। बाहों के दरमियां दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन के बदन, धड़कन। खुलते बंद होते लबों की ये अनकही,
मेरी वजह से हुआ नहीं। तुम एकदम कमाल हो तेजस्वी, जब लड़ती थी झगड़ती थी तब भी एकदम पटाखा, और आज आज जब तुमने प्यार का इजहार किया तब भी तुम पटाखा। और प्रेम सिंह राठौड़ चारों खाने के बदन धड़कन।